हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में पढ़ाएंगे उपसर्ग। जैसा कि आपको पता है हमारा रिवीजन चल रहा है, जो आपका टॉपिक उपसर्ग है ये आपके लास्ट टेस्ट इंग्लिश टेस्ट दोनों में आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग वे वर्ड होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़कर पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी संज्ञा आदि शब्दों, अब संज्ञा आदि शब्द में क्या आता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम आता है, अथवा धातु, धातु है, संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी हम कहते हैं क्रिया, हिंदी पद के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी संज्ञा आदि शब्दों अथवा धातुओं के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अब आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, चार ऑप्शन दे दिया, वर्ड के पहले लगते हैं, वर्ड के बाद लगते हैं, वर्ड के बीच में लगते हैं, या वर्ड में इसका उपयोग नहीं होता। तो आप आंसर लिखोगे कि वर्ड के पहले ही शब्दों के पूर्व में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए संस्कृत भाषा में उपसर्ग होते हैं हमारे 22, कितने होते हैं 22। आज हम उन उपसर्गों के 22 उपसर्गों के नाम, उसके अर्थ और उसके उदाहरण भी पढ़ेंगे जो हमने आपको पहले नहीं पढ़ाया था। पहले हम छोटे रूप में पढ़ाया था उपसर्गों प्रत्यय की डेफिनेशन और उनमें क्या अंतर होता है, बस इतना। आज हम उपसर्ग के पूरे 22 वर्ण के नाम, 22 शब्द, उनके नाम, उनके अर्थ और उनके उदाहरण भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा। प्रहार और प्रभाव उसका उदाहरण है। अब प्रहार वर्ण है तो इसमें उपसर्ग क्या है, प्र। प्रभाव वर्ण उपसर्ग क्या है, प्र। दूसरा है हमारा प्रभाव, परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या फिर विरोध, दो अर्थ होते हैं उल्टा या फिर विरोध करना, पराजय और पराश्रय, पराजय और पराश्रय। इस जय के आगे परा लगा दिया तो पराजय बन गया, यानी हार हुई, और पराश्रय का अर्थ दूसरों पर आश्रित होना। अप का अर्थ होता है हीनता, अप का अर्थ होता है हीनता, अपमान और अपकार इसका उदाहरण है। सम, सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, संगम और संभवति इसका उदाहरण है। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुकरणम यानी अनुकरण करना, पीछा करना। अव, अव का अर्थ है हीनता या फिर नीचे, अव का अर्थ होता है हीनता या फिर नीचे, यानी कि अवनति। अवकाश, शर्मंदा हमारा निस, निस का अर्थ होता है निषेध, इनकार करना, रोकना, किसी से मना करना, रोकना। तो निष्पाप और निष्फलम, निष्पाप और निष्फलम ये निस के उदाहरण है। निर, निर का अर्थ रही, यानी किसी चीज का अभाव, किसी चीज की कमी। निर्धन, जिसके पास धन नहीं हुआ निर्धन हो गया। निराधर, जिसका जिसका आदर नहीं हुआ वो निराधर। तो क्या हो गया, निर्धन और निराधर, ये नीचे आपके उदाहरण है। दुष, दुष्कर्म का कठिन, दुष्कर्म का है कठिन, दुष्कर्म और दुस्साहस, दुष्कर्म और दुस्साहस। बी, बी यानी विशिष्ट, विकार का हो गया विशिष्ट। विकास और बी चलती, विकास और बी चलती। आ, 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 आ को हम मूल उपसर्ग होते हैं, लिखते हम आ से, इसका अर्थ है पर्यंतम और कम, आगमन और आजन, आगमन और आजन। ठीक है, इतने तो हमारे बड़े 11 अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए अपने बुक में। हाँ, अब आगे देखिए 12 नंबर का ऑप्शन है नी, नी का जो है रहित, रहित यानी बिना किसी का अभाव। तो निदान और निर्पुष ये आपके नी के उदाहरण है। अधि, अधि का अर्थ हो गया ऊपर, अधि का एक और अर्थ होता है प्रधान, अधिपति, अधिहरि। 14 है हमारा अपि, अपि का अर्थ निकट यानी पास में, निकट यानी पास। अपिधानम, इसका अर्थ क्या है, अपिधानम।
या चार इसका उदाहरण है। सु का अर्थ हो गया अच्छा, सुगम और सुदीर्घ, सुगम और सुदीर्घ ये इसके उदाहरण है। उत, उत यानी ऊंचा, ऊपर, उत्थान और उत्पत्ति, उत्थान और उत्पत्ति। अधि, अधि मतलब चारों, अभी अभी मतलब चारों ओर, अभी का मतलब है चारों ओर, अभिमान और अभ्युदय ये अभी के उदाहरण, अभिउपसर्ग के उदाहरण है। प्रति, प्रति का अर्थ है समीप, प्रतिवार, प्रतिकार। परि, परि यानी आसपास, परिचय, परितोषम या के परिउपसर्ग के उदाहरण है। उप, उप का अर्थ है निकट या फिर समीप, उपनयति और उपकारक या फिर के उदाहरण है। इसमें हमारे उपसर्ग कितने हो गए 21 यानी 21, तो आपको 21 उपसर्ग उसके अर्थ उसके उदाहरण आपको करवा दिए हैं। आपको एक प्रिपेयर में करने हैं पूरे 21 उपसर्ग करने, उनके नाम उदाहरण करने हैं और फिर आपको नहीं निकलना है। थैंक यू।